पुतिन ज़ेलेंस्की को हरा देंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा? अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। तो आपको बता दें कि उस नई लोकेशन का इशारा मिलने लगा है जहां पुतिन अपने दुश्मनों पर नया हमला कर सकते हैं, और देखा जाए तो उन्होंने ये करना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए कि पुतिन का नया ज़ेलेंस्की आखिर कौन है। आपने 4 महीने से जारी यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने साल के 12 महीने तक उबलता हुआ दक्षिण चीन सागर देखा, आपने उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइल भी देखी और हंसते हुए किम जोंग उन को भी देखा, और इन सब के बीच आपने शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जो बाइडन की ना खत्म होने वाली तकरार भी देखी, जिसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इनमें से किसी को खुद भी पूरी तरह भरोसा नहीं है। अब देखिए दुनिया के सबसे बड़े और फुली टेस्टेड वॉर जोन से आ रहे एक और बहुत ही खतरनाक युद्ध के सिग्नल को। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त इसी उभरते हुए एक और खतरनाक वॉर जोन का बोलबाला है। यूक्रेन में चल रही जंग के साथ साथ सीरिया एक बार फिर एक नया उबलता हुआ फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ अब सीरिया में भी अपना जंगी जुनून दिखाना शुरू कर दिया है, और ये सब पुतिन के बड़े प्लान का हिस्सा है। रूस और सीरिया के गठबंधन का वॉर गेम एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज के साथ साथ अब रूस और सीरिया के स्पेशल फोर्स और करीब आ रही है, और इसका मकसद बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। रूस की फौज सीरिया के पैराट्रूपर को तेजी से ट्रेन कर रही है। ISIS और अलकायदा को हरा चुका यह गठबंधन अब एक नए खतरे को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। रूस और सीरिया की फौज इसराइल से लगी गोलान हाइट्स के साथ तुर्की की सीमा पर अपने फाइटर जेट्स के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये दोनों इलाके दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन कहे जाते हैं, और यहाँ कभी भी जंग भड़क सकती है। दुश्मन के इलाके में घुसकर कैसे हमला किया जाता है, ये आजमाइश जंग की इसी खूबी को और पैना करने के लिए की जा रही है। पिछले 1 महीने में रूस और सीरिया की बढ़ती करीबी ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक को अलर्ट कर दिया है। रूस और सीरिया के कमांडो के साथ साथ ऑपरेशन को देखकर तुर्की भी हैरान है, अरब देश और इजराइल भी परेशान है। इजराइल का अखबार क्या कह रहा है वो देखिए, अरब देशों का मीडिया क्या लिख रहा है वो देखिए, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जनरल कह रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। रूस के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स ने सीरिया में उस मिलिट्री अड्डे पर बमबारी की जो अमेरिका के कब्जे में रहा है। ये है सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर अल तंफ मिलिट्री बेस, जहां से अमेरिका सीरिया में अपना मिलिट्री मिशन चलाता रहा है। यहां अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA काफी एक्टिव रही है, और ये बेस सीरिया और रूस के अलावा ईरान की आंखों में भी एक किरकिरी की तरह माना जाता है। यही वजह है कि इस वक्त ईरान की स्पेशल फोर्स भी सीरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। हालांकि वो हमेशा इसराइल के टारगेट पर रहती है, लेकिन इस वक्त सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर हमले को लेकर ईरान का हौसला भी बढ़ गया है। ईरान का सरकारी मीडिया क्या वार्निंग दे रहा है वो भी देखिए, कैसे सीरिया के अंदर मई में ही युद्ध के बड़े इशारे मिलने शुरू हो गए थे, और अमेरिका की प्रेस में क्या छप रहा है वो तो जरूर देखिए, क्योंकि पश्चिम एशिया जिसे वेस्ट मिडिल ईस्ट कहता है, वहां सीरिया एक बार फिर गर्म हो रहा है। इस वक्त सीरिया में नए युद्ध की शुरुआत वाली तपिश महसूस की जा सकती है। सीरिया वो देश है जिसने पिछले 10 सालों में
सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस का मुकाबला किया, जिसने अलकायदा को भी हराया और कई शहरों में इन आतंकवादियों का जुल्म खत्म किया। वही सीरिया अब अमेरिका और रूस का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अगर सीरिया में फिर जंग शुरू हुई और दुनिया ने अमेरिका और रूस की एक और टक्कर देखी तो सब जानते हैं कि इसमें नुकसान किसका होगा, लेकिन फायदा कौन कमाएगा, यही सोचने वाली बात है। अमेरिका सीरिया में बशार अल असद की सरकार के खिलाफ काम करता रहा है और अल तंफ बॉर्डर पर मौजूद उसके मिलिट्री बेस पर ऐसे मिलिशिया और संगठनों को ट्रेनिंग या मदद दी जा रही है जो असद सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि रूस ने अटैक से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था कि वो उन ठिकानों पर हमला करने जा रहा है जहां से सीरिया की सेना पर अटैक किया जा रहा है। इसके बाद रूस के दो बॉम्बर्स सुखोई 34 और सुखोई 24 से अल तंफ मिलिट्री बेस के पास लगातार हमले किए गए। रूस का सुखोई 34 और सुखोई 24 2015 के बाद से ही सीरिया में तैनात रहे हैं और ये आईसिस के खिलाफ रूस की बमबारी वाले मिशन का बड़ा हिस्सा रहे, लेकिन अचानक इनके हमले और वो भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डे के बहुत करीब बमबारी किया जाना, ये दिखाता है कि रूस अब अमेरिका को सीरिया से पूरी तरह भगाना चाहता है। ये बाइडन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि रूस ने यूक्रेन में भी ऐसी ही नीति पर काम किया है जिसमें अमेरिका सीधा दखल ना दे पाए और नेटो की भी हालत ऐसी है कि बाउंड्री पार से बैठकर ही सब कुछ देख रहा है। सीरिया में रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर हो रही है। कुछ ही दिन पहले रूस के सुखोई 34 और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट का आमना सामना हो गया था, जिसके बाद रूस ने अपने विमान खामोशी से वापस बुला लिए। लेकिन अल तंफ पर अटैक के दौरान पुतिन का इरादा साफ था, वो अमेरिका को बताना चाहते थे कि सीरिया की जमीन पर उसकी मौजूदगी अब रूस को मंजूर नहीं है। इस वक्त सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर मौजूद अल तंफ मिलिट्री बेस पर अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। हालांकि सीरिया रूस और ईरान ने मिलकर आईसिस को हरा दिया है, बगदादी भी मारा जा चुका है, आईसिस की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की फौज यहां मौजूद है और वो उन ताकत को भी अब हवा दे रही है जो बशर अल असद के खिलाफ काम कर रही है। الحكومة السورية من العائدات النفطية ليس كبيع وإنما على الأقل للاستهلاك المحلي خاصة وأننا نشهد أزمة كبيرة جدا في الطاقة بالنسبة لسوريا. الهدف الثاني طبعا هو تمويل المجموعات التابعة لواشنطن في سوريا. जून की शुरुआत में ही अमेरिका को समझाने के लिए रूस और सीरिया ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी जिसमें रूस और सीरिया के फाइटर जेट शामिल हुए थे। इस युद्धाभ्यास में दुनिया ने एक बार फिर बॉम्बर्स वाला मुकाबला देखा। यूक्रेन से दूर वो फाइटर जेट देखे जो ज़ेलेंस्की पर बमबारी के बाद एक और वॉर जोन में उड़ान भर रहे थे। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी युद्धाभ्यास में शामिल रहा। और रूस के फ्रंटलाइन फाइटर सुखोई 35 ने भी अपनी ताकत दिखाई। दुनिया सवाल पूछने लगी कि रूस के ये फाइटर बॉम्बर आखिर सीरिया में फिर इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं और वो किस लिए इतनी बड़ी तादाद में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की एयरफोर्स का कहीं और पहुंचना बड़ी खबर बनना ही था। और फिर पर्दा हटा, रशियन एयरफोर्स के साथ सीरिया के फाइटर जेट भी दिखने लगे। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है जो पुराना तो जरूर है लेकिन आईसिस को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास अमेरिका को सीधा पैगाम है कि इस वॉर जोन में उसके दिन पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन के बाद उसे ये जमीन भी छोड़ देनी चाहिए। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से दो तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए, पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से MiG-23 और MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है।
इस युद्ध अभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इसराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं, और ऐसे में पुतिन का यहां अपने फाइटर बॉम्बर भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा ना समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। हालांकि पुतिन का सीरिया में दखल एक और जरूरत भी साबित करता है जो पूरी नहीं हो रही। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस को और मिलिशिया चाहिए जो उनको सीरिया से मिल सकते हैं। लेकिन सीरिया से रिपोर्ट आई है कि पुतिन को यहां से किराए वाले लड़ाके नहीं मिल रहे। सीरिया में पुतिन ने फौजी जुटाने की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आया। रूस ने सीरिया के लड़ाकों को लड़ने के लिए $3,000 देने का वादा किया। अगर कोई लड़ाका घायल होता है तो उसे $7,000 देने की बात कही, और अगर कोई लड़ाका जंग में मारा जाता है तो उसके परिवार को सभी सुविधाएं देने के साथ $15,000 का बीमा भी कराने का वादा किया। इसके बाद दावा किया गया कि 40,000 लड़ाकों ने नाम रजिस्टर भी करवाया, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ दुनिया में एक और वॉर जोन बन सकता है। सीरिया पिछले एक दशक से इसका प्ले ग्राउंड रहा है, क्योंकि रूस के विमानों ने अब एक बार फिर से सीरिया के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी है, और वो अब अमेरिका की सेना को डराने वाली बमबारी भी कर रहा है।